more delicious recipes, subscribe Sara's Kitchen. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सारास किचन और आज मेरे किचन में बन रहे हैं जी बकरा ईद के हवाले से बहुत ही मज़ेदार आज हम पसंदे बनाएंगे जो कि सभी को पसंद होते हैं। और ये पसंदे भी हम शाही पसंदे बना रहे हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पसंदे बनाने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें मैंने ली हैं वो सब मैं आपको बताती हूँ। पसंदे मेरे पास हाफ के जी हैं, मैंने जो अंडर कट होता है उसका पीस लिया था और उससे मैंने इस तरह से ये पसंदे काट के रखे हुए हैं। इसको भी हम मज़ीद जो है ना हैमर के साथ इसको और भी चपटा करेंगे। तो ये मेरे पास हाफ के जी हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास दही है, एक कप मैंने दही का लिया है और एक मैंने प्याज ली है ये बड़े साइज़ की। जो मसाले इसमें जाएंगे साथ साथ वो भी बताती जाऊंगी। धनिया पाउडर है, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च, नमक जाएगा इसमें। कुछ साबुत मसाले हैं वो भी मैं आपको साथ साथ सारे बताती जाऊंगी। इसमें जो ज़ीरा है, शाही ज़ीरा हमने लिया है, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है ना वो नहीं है, ये शाही ज़ीरा है क्योंकि हम शाही पसंदे बना रहे हैं तो ज़ीरा भी इसमें चाहिए जाएगा। तीन मैंने हरी इलायची ली है, चार से पाँच लौंग हैं, तीन चार दालचीनी के टुकड़े हैं, काली मिर्च के आठ दस दाने हैं। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें जाएंगी ये नारियल के टुकड़े मैंने चार पांच इस तरह से काट के रखे हुए हैं। दस मैंने बादाम लिए हैं, उनके छिलके उतार दिए हैं। यहाँ पे खशखाश है मेरे पास वन टेबलस्पून। तो ये साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो तीनों चीज़ें हैं ना इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर मैं इनको पीस लूँगी। तो पहले मैं ये काम कर लूँ फिर बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। तो पैन मेरा गर्म हो गया है, इसमें ये तमाम चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। तो इनको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको ग्राइंड करूँगी। दही में मैं तमाम मसाले ऐड करूँगी। नमक इसमें डालेंगे वन टीस्पून, हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर जाएगा वन टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च इसमें जाएगी वन टीस्पून। अगर आप मिर्चें वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर जो पसंदे हमारे पास हैं ये मैंने काट के इस तरह से रखे हुए हैं, इसको हमने हैमर के साथ थोड़ा थोड़ा इस तरह से चपटा कर लेना है, थोड़ा फ्लैट कर लें इसको ताकि इसके अंदर जो है ना थोड़े थोड़े क्रैक आ जाए। तो यहाँ पे पसंदे हमारे बिल्कुल तैयार हैं, ये मैंने तमाम यहाँ पे तैयार करके रख लिए हैं। जो दही हमने यहाँ पे रखा था इसमें मसाले वगैरह डाल के, तो इसमें ये हम पसंदों को अच्छी तरह से इसके अंदर डिप कर देंगे। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे तमाम पसंदों को। अब इसको हमने ना तकरीबन आधा घंटा तो ज़रूर ही इसको छोड़ना है रेस्ट के लिए। वैसे आप इसको घंटा डेढ़ घंटा भी दे सकते हैं लेकिन आधा घंटा तो इसको आपने ज़रूर देना है। तो ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके हम छोड़ देंगे। लहसुन अदरक जो वन टेबल स्पून है वो भी इसी में हमने ऐड करना है, वो मैं भूल गई थी, तो ये भी इसी में हम डालेंगे। इसको हमने इसी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब यहाँ जो प्याज मैंने एक रखी थी ना वो भी मैंने उसको भी बारीक काट लिया, और यहाँ पर जो नारियल था और इसके अलावा जो खशखाश थी और बादाम इनको भी मैंने पीस के इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। तो ये चीज़ें हमारी तमाम रेडी हैं। तो अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं आधे घंटे के बाद। पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, वैसे पसंदे जो है ना घी में ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं हाफ कप इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम प्याज डालेंगे। तो प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब जैसे कि बकरा ईद आने वाली है, थोड़े से दिन ही रह गए हैं और आपको पता है कि सबको ही यही चीज़ें बनाना होती हैं ईद पे, कुछ डिफरेंट हो जाए। तो ये पसंदे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपके साथ इसकी एक और रेसिपी भी शेयर करूँगी,
ये तो आज हम जो है ना शाही पसंदे बना रहे हैं, तो दूसरे भी एक सादा जो बनाते हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो आप इसे वैसे भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। मैं ज़रा जल्दी में बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलें ज़रा प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसको वैसे भी बनाया जा सकता है। तो प्याज का कलर जो है ना ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी। हाफ ग्लास पानी का डालना है इसमें मैंने, और साथ ही जो साबुत मसाले मैंने आपको बताए थे ये इसमें डाल देंगे। ज़ीरा है, काला ज़ीरा जो होता है, शाह ज़ीरा कहते हैं इसे, वो डालना है पहले। तीन मैंने हरी इलायची डाली है, दो से तीन दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंग हैं चार, काली मिर्च है तकरीबन 8 से 10 दाने। अब ये डाल के ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी, और इसको बाद में थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो यहाँ 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो अब मैंने ये मसाला जो है ना इसको अच्छी तरह से भून लेना है, बहुत अच्छी तरह से। इसको मैं 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी, फिर इसमें बाकी काम करते हैं। तो मसालों के साथ प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें पसंदे शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इसका तमाम मसाला भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से एक दफ़ा भून लेना है मसाले के साथ, संदों को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, आंच को थोड़ा देर। तो यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास, और इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। अगर आप इसको ऐसे ही बना रहे हैं तो फिर आप इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट तक पका लें, ये जब तक कि ये गल जाए। तो 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला है, इसको थोड़ा प्रेशर कुकर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगाया है। 15 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी मैंने अब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो इससे पहले इसमें ये जो नारियल का पाउडर है ये भी इसमें डाल देंगे, और इसको डाल के तो इसको हमने अब अच्छी तरह से भून लेना है मज़ीद 5 मिनट तक। अब मैं इसको ना दूसरे एक बर्तन में शिफ्ट करूँगी, छोटे बर्तन में, क्योंकि ये थोड़े इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम डाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से आपको नज़र भी आए सही तरह से। तो इसकी अब मैंने बहुत अच्छी सी भुनाई कर लेनी है, ये देखिए आप ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का ऐड करूँगी। अगर आप इसको चाहें तो बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं इसका मसाला, लेकिन इसमें थोड़ी सी ग्रेवी जो होती है ना वही अच्छी लगती है, तो इसमें मैं हल्की सी ग्रेवी रखूँगी। अब मैं इसको कवर करूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें इसमें ये हल्की हल्की इसकी ग्रेवी जो है अभी है, तो इसको अब बस इसमें हरा धनिया हम डालेंगे, और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो पहले इसकी जो ग्रेवी है वो हम डिश के अंदर डालेंगे। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, पतली गाढ़ी जैसी भी आप रखना चाहें। तो ये जो पसंदे हमारे हैं ये बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबूएं इसमें से आ रही हैं, बहुत अच्छे पसंदे बन के हमारे तैयार हुए हैं। तो ये शाही पसंदे आपने ईद पे ज़रूर ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरे घर में भी ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।